स्टूडेंट टूडे वन आई एक्सप्लेन यू द एक्साइज फोर पॉइंट एंड सर्किल रिलेटेड एक्टिविटी आती है क्या क्या पॉइंट है उन सबके बारे में यहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया ठीक है तो चलिए देखते हैं बताते हैं आपको इसमें क्या क्या चीज आप स्टडी करेंगे ओके स्टूडेंट तो सबसे पहले सर्किल तो सर्किल तो आपने देखा है आप जानते हैं जस्ट लाइक साइकिल का टायर होता है ठीक है या कई सारी जो गोल रिंग्स होती हैं वो सब हमारी सर्किल कहलाती हैं जैसे कि रहा है राउंड है या व्हील्स है या बेंगल्स हैं या कॉइन है तो ये सब जो है एग्जांपल हैं किसके सर्किल के हैं तो ये देखो डेफिनेशन भी दे रखी है अ सर्किल इज अ सिंपल क्लोज कर विज नॉट अ पॉलीगन पॉलीगन नहीं होता अब पॉलीगन क्यों नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती इसीलिए इसको पॉलीगन नहीं कहते तो इट हैज सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी कई सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं देखो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल देखिए बताया आपको ठीक है तो देखिए क्या क्या चीज होती है जैसे मान लीजिए यही आपको एक सर्किल दे रखा है तो सर्किल में एक जो पॉइंट होता है इंटीरियर अंदर इसको कहते हैं सेंटर अब सेंटर की एक खासियत होती है और वो खासियत ये होती है कि सेंटर से सर्किल तक की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है ठीक है इसीलिए इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ठीक है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लो या ये डिस्टेंस ले लो या ये डिस्टेंस ले लो या ये ले लो या ये डिस्टेंस ले लो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होंगी बराबर होंगी दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल ठीक है अच्छा हम सर्किल का कोई छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो इतना टुकड़ा ले लिया तो इस टुकड़े को हम कहते हैं आर्क ठीक है इस टुकड़े को कहते हैं हम आर्क कहते हैं तो आर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये जैसे पी क्यू लिखा और पी क्यू के ऊपर इस तरह से कर्व वाली हमने लाइन लगा दी तो इसको हम कहेंगे आर्क अच्छा अगर रेडियस को हम डबल कर देते हैं तो बन जाता है डायमीटर ऑफ सर्किल तो रेडियस का डबल जैसे कि यहां से यहां तक रेडियस है इसको हमने और आगे बढ़ा दिया ये पूरी लाइन ले ली ठीक है तो ये कहलाएगी डायमीटर ऑफ द सर्किल डायमीटर की एक खासियत होती है ये सर्किल को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है ठीक है नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट अच्छा इंटीरियर और एक्सटीरियर तो आप जानते हैं कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो इंटीरियर कहलाएगा और सर्किल के अगर बाहर है तो उसे एक्सटीरियर कहेंगे ठीक है नाउ और देखिए अच्छा सेंटर से अगर हमने मान लिया इतना पीस टुकड़ा निकाल लिया तो ये जो पीस होता है सेंटर से सर्किल को ज्वाइन करता हुआ जैसा शेप जो बनता है इट इज नॉट ट्राइंग ट्राइंगल ट्राइंगल में तो तो सीधी लाइन लाइन होती है 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 देखो ये कर्व वाली है, तो इसको हम कहते हैं सेक्टर ठीक अगर हम सेंटर को टच ना करें हम डायरेक्ट ऐसे हिस्सा इसका एक काट लें ठीक है तो इस हिस्से को कहेंगे हम सेगमेंट ये डार्क सर्किल में दिखाई दे रहा है आपको डार्क शेप में इसे हम कहेंगे सेगमेंट अच्छा एक वर्ड और दे रखा है आपको सरकम तो एक्चुअली हम पैरामीटर ऑफ सर्किल निकालते हैं यानी कि ये पूरी डिस्टेंस निकालते हैं तो इसको कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल या कह भी रखा है द डिस्टेंस अराउंड सर्किल सर्किल के चारों ओर की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहेंगे सरकमफरेंस ओके चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें आप इसमें स्टडी करेंगे देखो एक और पॉइंट दे रखा है डायमीटर ऑफ अ सर्किल डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट अभी बताया था मैंने आपको कि डायमीटर जो होता है किसी भी सर्किल का वो उसे दो बराबर बराबर के आ, सर्किल में सेमी सर्किल में डिवाइड कर देता है भाई आधा आधा कर देगा, तो आधा सर्किल सेमी सर्किल कहलाएगा ठीक है नाउ मूव ऑन नक्सरसाइज फोर पॉइंट सिक्स फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है फ्रॉम द फिगर ये सामने एक डायग्राम दे रखा है इससे पता करो द सेंटर ऑफ सर्किल तो सेंटर में क्या है ओ है तो हो गया इसका आंसर हो जाएगा ओ ऐसे दूसरा पूछा है थ्री रेडियाई रेडियाई मैंने क्या बताई थी सेंटर को सर्किल से ज्वाइन करने वाली लाइन तो देखो ओ सी ओ बी और ओ ए तो ये क्या कहलाएंगे थ्री रेडियाई रेडियस होता है एक्चुअली रेडियस का बहुवचन यानी कि प्यूरल्स है रेडियाई ओके okay? अगर एक पूछा जाएगा तो रेडियस कहा जाता है एक से ज्यादा पूछे आते हैं तो रेडियाई कहते हैं डायमीटर डायमीटर का मतलब रेडियस को आगे और बढ़ाने पर देखो ये रेडियस है इसको और आगे बढ़ा दिया गया है तो ये जो पूरी लाइन है ए सी ये कहलाएगी डायमीटर नेक्स्ट पॉइंट इज अ कॉर्ड कॉर्ड क्या होती है कॉर्ड का मतलब सर्किल के दो टुकड़े करने वाली लाइन अब दो टुकड़े छोटे बड़े भी हो सकते हैं जैसे की डीई दिस इज ऑल्सो कॉर्ड ए सी ये भी हमारी कॉर्ड कहलाएगी ठीक है कॉर्ड का मतलब सर्किल के दो टुकड़े कर रहे हैं जो लाइन अच्छा टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर अंदर इसके कोई दो पॉइंट्स अंदर पॉइंट कौन कौन से दिख रहे हैं तो ओ दिख रहा है और एक पी दिख रहा है तो ये इंटीरियर पॉइंट कहलाएंगे पॉइंट इन द एक्सटीरियर बाहर, तो बाहर कौन सा दिख रहा है क्यू दिख रहा है ट्रैंगर तो शेप का मतलब में काटती है लाइन तो ए बी ये क्या कहलाएगा सेक्टर ऐसी सेंटर से ज्वाइन नहीं करते बस दो सौ में कर देती है देखो तो ये एरिया क्या कहलाएगा हमारा सेगमेंट ऐसी इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्किल आलसो अड यस भाई डायमी जो है वो कॉड कहलाती है ठीक है ये बात सही है सर्किल के दो टुकड़े करती है ना इसलिए इज एवरी ये गलत है इट इज रॉन्ग वाई क्योंकि डायमीटर तो वो लाइन वो कॉड होती है जो सर्किल के दो से करती है और कॉड तो कोई भी लाइन हो सकती है ये भी कॉड है और ये भी कॉड है ठीक है तो दूसरा वाला क्या है रॉन्ग है इट इज राइट ओके स्टूडेंट ओके okay, स्टूडेंट तो देखेंगे हम जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कैसे करते हैं फोर पॉइंट सिक्स द सेंटर ऑफ सर्किल तो सेंटर पे क्या है ओ तो इसका आंसर हो जाएगा ओ थ्री रेडियाई थ्री ए हो जाएगी ओ बी हो जाएगी और ओ सी हो जाएगी तो ओ ए बी और ओ सी ये थ्री रेडिया हो गई डायमीटर क्या बताया था जो सर्किल के दो टुकड़े करता है देखो तो ये हो जाएगा ए सी कॉर्ड मैंने बताया कोई भी दो लाइन जो सर्किल के दो टुकड़े करती हुई देखो ईडी भी कर रही है और एसी भी कर रही है तो कॉर्ड ईडी भी कहलाएगा और ए सी भी कहलाएगा भाई ईडी को डी ई भी कह सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है ओके okay, स्टूडेंट अगला क्या क्या रखा है टू पॉइंट इन द इंटीरियर इस सर्किल के अंदर के दो पॉइंट्स एक तो आपको ओ दिखाई दे रहा है एक आपको पी दिखाई दे रहा है ये तो दो तो अंदर है अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर इस सर्किल के बाहर कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है तो क्यू दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर क्यू हो जाएगा अच्छा अब पूछा है अ सेक्टर सेक्टर का मतलब बताया था ये हिस्सा इसको कहते हैं हम सेक्टर तो इसे लिखेंगे हम ए ओ बी ये वाला जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड सेक्टर ठीक है अच्छा सेगमेंट तो सेगमेंट मैंने बताया था ये जो एरिया होता है ये हमारा कहलाता है सेगमेंट तो ये नंबर हो जाएगा ई डी ठीक है तो ये हमारा हो जाएगा ई डी ओके अच्छा नेक्स्ट देखिए ये एरिया वाला पोर्शन होता है इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कोर्ट तो इसके लिए मैंने बताया था क्या यस yes. और अगला पूछा गया है आपसे इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आल्सो अ डायमीटर तो इसके लिए हम क्या, लिए हम क्या लिखेंगे इट इज फॉल्स ठीक है यह कह सकते हैं नो ओके स्टूडेंट इस तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप ओके okay? तो देखिए मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर वन एंड टू दोनों एक्सप्लेन किया यहाँ पूछा गया था इज एवरी डायमीटर इज अ सर्किल आल्सो अ कॉर्ड तो इसके लिए बताया था ट्रू है इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आल्सो डायमीटर इसके लिए बताया था फॉल्स है अब इसी क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट करते हुए उन्होंने क्वेश्चन नंबर थर्ड बना दिया थर्ड में क्या है कि ड्रॉ एनी सर्किल एक सर्किल ड्रॉ करके दिखाओ देखो तो हमारा सर्किल ड्रॉ था इसमें कार ड्रॉ करके दिखाओ अब जो चीजें आप पूछी गई थी वही चीज दोबारा पूछ ली कि आप खुद मार्क कर करके दिखाइए कि सेंटर क्या होगा रेडियस क्या होगी डायमीटर क्या होगा सेक्टर क्या होगा सेगमेंट क्या होगा पॉइंट इन इंस्टीरियर क्या होगा पॉइंट इन एक्सटीरियर क्या होगा और आर्क क्या होगी तो ये बिल्कुल एक तरह से कर लो क्वेश्चन नंबर वन को ही उन्होंने क्या कर दिया है दोबारा रिपीट कर दिया है आप चाहो तो यही डायग्राम बना सकते हो ठीक है सेंटर कहा जाए तो वहां से लिख देना ओ रेडियस कहा जाए तो ओ ए भाई तीन रेडियस है ओ ए भी है ओ बी भी है ओ सी भी है कोई सी भी लिख सकते हो रेडियस का है ना एक पूछा है आपसे डायमीटर ए सी ऐसे ही सेक्टर ए ओ बी और सेगमेंट ई डी और क्या बताया था अपॉइंटेड इंटीरियर पी लिख देना अपॉइंटेड एक्सटीरियर ये अभी हमने बताया था इट इज क्यू तो क्यू लिख सकते हो एन आर्क आर्क का मतलब ये आर्क ले सकते हैं ये वाली आर्क ले सकते हैं ये वाली आर्क कोई भी आर्क ले सकते हैं आप ठीक है तो इसे आप सी बी बी कह सकते हो आर्क वाला सिंबल लगा सकते हैं ओके okay, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे ओके okay, स्टूडेंट तो देखिए आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पूछी गई हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे ठीक है आप अपनी कंपास के थ्रू कोई भी एक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है देखिए मैंने यहां पर एक सर्किल को ड्रॉ किया सर्किल को करने के बाद आपसे क्या-क्या चीज पूछी गई है वो देख सकते हैं पूछा गया इसका सेंटर तो ये देखो जहां पर हमने कंपास रखी थी वो सेंटर हो गया इसका कोई भी नाम डाल सकते हैं तो मान लिया मैंने ओ है अब पूछा गया रेडियस तो इस ओ से हम क्या करेंगे सर्किल तक की कोई भी एक लाइन खींच देंगे तो मान लो ये हमने ए मान लिया तो ये ओ ए हमारी क्या कहलाएगी रेडियस कहलाएगी अब उन्होंने कहा डायमीटर तो डायमीटर के लिए क्या करते हैं हम इसी लाइन को हम और आगे तक बढ़ा देते हैं देखो डबल कर दिया ना तो इसको मान लिया बी पॉइंट है तो ये हमारा कहलाएगा डायमीटर ऑफ इट ठीक है अब पूछा गया है सेक्टर तो सेक्टर के लिए मैंने बताया था कि सेंटर से ही लाइन जाती है ये ध्यान रखना है तो देखो ये जो एरिया है ये जो एरिया निकल के आएगा ये एरिया हमारा कहलाएगा सेक्टर तो डायमीटर मैंने क्या बताया था ए बी और सेक्टर हमारा क्या हो गया एओ मान लो ये सी है तो ए सी <coughs> सेगमेंट सेगमेंट के लिए मैंने बताया था कोई भी लाइन आप कहीं भी ड्रॉ कर दो आप चाहो तो यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ कर सकते हैं यहाँ कर, कर सकते कहीं भी ड्रॉ कर लो ठीक है मान लो ये पॉइंट डी है ये पॉइंट ई e है ठीक है तो ये जो हिस्सा है ये हिस्सा हमारा कहलाता है ये एरिया जो है ये कहलाएगा हमारा सेगमेंट तो इसे आप डाल सकते हैं डी ई e या ई डी अपॉइंट इट्स इंटीरियर इंटीरियर का मतलब इसके कहीं भी अंदर एक पॉइंट मान लीजिए मान लो मैंने पी मान लिया तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया ऐसे ही पॉइंट इट्स एक्सटीरियर तो इसके बाहर कहीं भी आप एक पॉइंट मान लीजिए मान लो मैंने यहां मान लिया इट इज क्यू तो ये क्यू हमारा क्या कहलाएगा एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा अब कहा गया आर्क आर्क हमारी क्या होती है ये लाइन कह लो ये लाइन कह लो सर्किल का यहां से यहां तक कैसा ही लिया ये वाला ऐसा ये भी आर्क कहलाएगा तो इसको भी हम कह सकते हैं बी सी आर्क ऐसे ही अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं ए सी आर इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ओके स्टूडेंट नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि से ट्रू और फॉल्स ये दाना है कि ट्रू है या फॉल्स है टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल बिट नेसेसरी इंटरसेक्ट भाई सर्किल होता है उसके दो डायमीटर क्या करेंगे हमेशा एक दूसरे को काटेंगे तो इसके लिए हो जाएगा यस इट इज ट्रू द सेंटर ऑफ सर्किल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर ऑब्वियसली सर्किल के अंदर ही दो सेंटर बनेगा ठीक है देखिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यस yes. तो ट्रूफॉल्स दोनों में आंसर क्या आएगा हमारा यस yes आएगा ओके स्टूडेंट गुड बाय ऑल ऑफ यू